वीरेंद्र सक्सेना। आप इनके नाम से शायद वाकिफ ना हो, पर आप इनके चेहरे को यकीनन अच्छी तरह से पहचानते होंगे। पिछले कई सालों से ये बड़े और छोटे पर्दे पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते आ रहे हैं। मथुरा जैसे छोटे से शहर में पैदा होने वाले वीरेंद्र सक्सेना अब मुंबई के हो चुके हैं, लेकिन आज भी अपने शहर मथुरा की यादें इनके जहन में एकदम ताज़ा है। किस्सा टीवी आज आपको साधारण से चेहरे वाले लेकिन बेहद दमदार एक्टर वीरेंद्र सक्सेना की कहानी बताएगा। वीरेंद्र सक्सेना मथुरा से मुंबई कैसे पहुंचे और इनका फिल्मी करियर कैसा रहा, ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। 25 नवंबर 1957 को वीरेंद्र सक्सेना का जन्म मथुरा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता एक छोटी सी सरकारी नौकरी किया करते थे। चार भाई बहनों में वीरेंद्र सबसे छोटे थे। परिवार पर वक्त ने कुछ ऐसा सितम किया कि इनके पिता बहुत जल्द ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी वीरेंद्र के बड़े भाई पर आ गई। क्योंकि वीरेंद्र भी पढ़ने लिखने में शानदार थे, तो उन्होंने भी परिवार की मदद के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वीरेंद्र बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये अच्छा गाते थे, अच्छी कॉमेडी किया करते थे, बढ़िया पोस्टर बनाते थे और लोगों को खूब हंसाते भी थे। इन सब प्रतिभाओं का फायदा वीरेंद्र को ये हुआ कि इन्हें मथुरा में लोकप्रियता मिलने लगी। मथुरा के लोग वीरेंद्र को जानने पहचानने लगे। वीरेंद्र ने बीएससी पूरी की और फिर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हालांकि जल्द ही पॉलिटिकल साइंस से इनका मन ऊब गया और इन्होंने एमए बीच में ही छोड़ दिया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने शहर मथुरा में वीरेंद्र बोर होने लगे। इसी बीच एक मित्र की मदद से इन्हें दिल्ली में राजा महेंद्र प्रताप के यहाँ उनके असिस्टेंट के तौर पर नौकरी मिल गई। साल 1976 में ये दिल्ली आ गए। राजा महेंद्र प्रताप को वीरेंद्र की हैंड राइटिंग बड़ी पसंद आती थी। वो अपनी सभी चिट्ठियां वीरेंद्र सक्सेना से ही लिखाया करते थे। इसी बीच मथुरा के इनके एक दोस्त ने एक नाटक में इनसे एक छोटा सा रोल निभाने की गुजारिश की। क्योंकि मथुरा में अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में वीरेंद्र सक्सेना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहते थे, तो इन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उस नाटक का ऑफर स्वीकार कर ही लिया। वो रोल तो काफ़ी छोटा था, लेकिन वीरेंद्र सक्सेना ने उस रोल को बड़ी कुशलता के साथ निभाया। उस नाटक का नाम था इन्ना की आवाज़। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ लगभग 1.5 महीने तक काम करने के बाद वीरेंद्र सक्सेना ने उनकी नौकरी छोड़ दी और अपना सारा ध्यान नाटकों पर लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान अनिल चौधरी नाम के इनके दोस्त ने इन्हें उस जमाने के प्रख्यात नाटककार एमके रैना से मिलवाया। एमके रैना ने वीरेंद्र को अपना थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर दिया। वीरेंद्र ने भी उनका ऑफर स्वीकार कर लिया। एमके रैना के प्रयोग थिएटर ग्रुप के साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी नाटकों में काम किया। इसी दौरान किसी ने इन्हें सलाह दी कि इन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। वो सलाह इन्हें पसंद आई। इन्होंने NSD में दाखिले का प्रयास किया, लेकिन पहली दफ़ा में इन्हें दाखिला नहीं मिल पाया। उसके बाद साल 1979 में इन्हें NSD में दाखिला मिला। 3 साल तक NSD से एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद भी इन्होंने मुंबई जाने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। ये दिल्ली में रहकर ही और कुछ सालों तक थिएटर करते रहे। दिल्ली में रहकर ही इन्होंने कुछ फिल्मों और TV शोज़ में काम किया था। हालांकि इस सब के बाद भी मुंबई जाने में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। श्याम बेनेगल के मास्टरपीस शो तमस में इन्होंने जर्नैल सिंह का रोल निभाया था। उस रोल ने इन्हें काफ़ी लोकप्रियता दिलाई। अखबारों और मैगजीनों में इनकी खूब चर्चा हुई थी। इस लोकप्रियता का एक फ़ायदा इन्हें ये हुआ कि मुंबई में भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग इन्हें पहचानने लगे थे।
छह सालों तक दिल्ली में थिएटर करते रहने के बाद एक दिन जब वीरेंद्र सक्सेना को एहसास हुआ कि केवल थिएटर के भरोसे ही जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, तो ये फिल्मों में काम करने के इरादे से मुंबई आ गए। लेकिन मुंबई ने भी इनका कड़ा इम्तिहान लिया और दिल्ली में एक्टिंग जगत का एक बड़ा नाम होने के बावजूद वीरेंद्र सक्सेना को मुंबई में शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। मुंबई आने के बाद वीरेंद्र सक्सेना ने कुछ समय तक थिएटर में ही काम किया। इस दौरान महेश भट्ट से इनकी बढ़िया जान पहचान हो गई। महेश भट्ट इनके टैलेंट से काफ़ी प्रभावित हुए थे। महेश भट्ट की सुपरहिट फिल्म आशिकी में भी ये नज़र आए थे। फिल्म का लोकप्रिय गीत तू मेरी जिंदगी है वीरेंद्र सक्सेना पर ही फिल्माया गया था। महेश भट्ट के साथ ही इन्होंने दिल है कि मानता नहीं नाम की एक और ज़बरदस्त फिल्म की थी। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने 130 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नज़र आए सूरज का सातवां घोड़ा, कभी हाँ कभी ना, दामिनी, आईना, जिद्दी, परदेसी बाबू, अर्जुन पंडित, शूल, बिच्छू, साथिया, रुद्राक्ष, बंटी और बबली, सरकार, 1:40 की लास्ट लोकल, एवेंसडे, अता पता लापता, शागिर्द, तेरा क्या होगा जॉनी, संकट सिटी, लखनऊ सेंट्रल, सुपर 30, बागी 3 और चेहरे जैसी फिल्मों में वीरेंद्र सक्सेना ने कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। ये हैं वाइट रेनबो, वैनिटी फेयर, कॉटन मेरी और इन कस्टडी। बात अगर टीवी की करें तो वीरेंद्र सक्सेना ने कई लोकप्रिय टीवी शोज में भी काम किया था। इनमें सबसे प्रमुख नाम है अजनबी, जस्सी जैसी कोई नहीं, किस देश में है मेरा दिल, महायज्ञ, अफसर बिटिया, कितनी मोहब्बत है, ब्योमकेश बख्शी, भारत एक खोज, वागले की दुनिया, फिर वही तलाश और भाग्य लक्ष्मी। वीरेंद्र कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी है। अगर उन्हें कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर पसंद नहीं आया तो फिर चाहे वो फिल्म या सीरियल कितने भी बड़े क्यों ना रहे हों, वीरेंद्र ने उनमें काम नहीं किया। बकौल वीरेंद्र, वो छोटा और कम पैसों का काम करना अधिक पसंद करेंगे बजाय इसके कि किसी ऐसे इंसान के साथ काम करें जो कि उन्हें पसंद ना हो। बात अगर वीरेंद्र सक्सेना की निजी ज़िंदगी के बारे में करें तो इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि इनकी पत्नी समथा सक्सेना हैं और वो खुद भी एक अभिनेत्री हैं। वीरेंद्र सक्सेना अब 64 साल के हो चुके हैं। वो अब भी फिल्मों में एक्टिव हैं। हर साल वो किसी न किसी फिल्म में नज़र आते ही रहते हैं। किस्सा टीवी वीरेंद्र सक्सेना की अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से कामना करता है। साथ ही किस्सा टीवी ये उम्मीद भी करता है कि वीरेंद्र सक्सेना और कई सालों तक अपने हुनर से हम सभी का मनोरंजन करते रहें। फिल्म इंडस्ट्री में शानदार योगदान के लिए किस्सा टीवी वीरेंद्र सक्सेना को सैल्यूट करता है। जय हिंद।